सुबह सवेरे सवेरे नसीरुद्दीन शाह की डोरबेल बजती है। नसीर साहब दरवाजा खोलते हैं, सामने एक नौजवान खड़ा है। नसीरुद्दीन शाह उस नौजवान से कहते हैं, कहिए। वो नौजवान बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है कि मुझे एक्टर बनना है, आप मेरी मदद कीजिए। नसीर साहब उसकी आंखों की चमक, आत्मविश्वास और बोलने के अंदाज से चकित होकर बोले, शाम को थिएटर आ जाना। यहीं दीवाने नजर चैनल आपको अवगत कराता है कि ये शुरुआत थी सुपर टैलेंटेड एक्टर कृष्ण कुमार मेनन यानी के मेनन के करियर की। के मेनन जो साधारण फिल्मों को भी अपने असाधारण अभिनय से यादगार बना देते हैं। सरकार फिल्म से विष्णु के कैरेक्टर से रातों रात अपनी पहचान बनाने वाले के मेनन ने गुलाल, 40-84, कॉर्पोरेट, ब्लैक फ्राइडे, हैदर और शौर्य जैसी फिल्मों से दर्शकों के चहेते स्टार बन गए। लेकिन इस महान कलाकार के साथ फिल्म इंडस्ट्री ने काफी अन्याय किया। जिस एक्टर के बारे में कहा गया कि फिल्म इंडस्ट्री को दूसरा संजीव कुमार मिल गया, उस एक्टर की सिर्फ चंद फिल्में ये बताती हैं कि फिल्म इंडस्ट्री ने उनके साथ कितनी नाइंसाफी की। लेकिन के मेनन की एक एक फिल्म दूसरे एक्टर्स के पूरे पूरे करियर पर भारी है। क्या आप भी के मेनन के फैन हैं?